श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेनेट्रोमीटर टेस्ट के बारे में। हम सबको पता है, ये टेस्ट करने से पहले मैं आपको हाईवे मटेरियल के बारे में कुछ समझा देता हूँ। तो हम सबको पता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, तो उसको समझने के लिए हमको हाईवे ट्रांसपोर्ट समझना पड़ेगा। तो हमारे आसपास जितने भी हम हाईवे देख रहे हैं, ठीक है, तो वो अलग अलग मटेरियल से बने हैं। एक है फ्लेक्सिबल पेमेंट से बना है, दूसरा रिजिड पेमेंट से बना है। फ्लेक्सिबल पेमेंट से जितने भी हाईवे हम देखते हैं, ठीक है, तो वो अलग अलग लेयर पे बने हैं। हमारा जो लेयर होता है हाईवे पे, उसमें बिटुमेंस का भी यूज होता है, एग्रीगेट का भी यूज होता है, और नीचे सबग्रेड सॉइल पे वो सब वहां पे रहते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से हमको हम सबको पता रहना चाहिए कि जो भी हम हाईवे के लिए जो मटेरियल यूज करने वाले हैं, उस मटेरियल की क्वालिटी क्या है, उसके ग्रेड क्या है, ठीक, और उसके ग्रेड, ये सब चीजों का बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन जो है उसका, जो हाईवे पेमेंट के अलग अलग लेयर होते हैं उसके कोस्ट पे डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब मैं आपको बताता हूँ मटेरियल के बारे में, तो हाईवे मटेरियल में जब हम अलग अलग लेयर होते हैं, वो अलग अलग लेयर में अलग अलग मटेरियल का यूज होता है। सबसे ऊपर जो वियरिंग लेयर होता है उसमें हम बिटुमिनस का यूज करते हैं, बट ये जो बिटुमिनस हम यूज करते हैं उसकी क्वालिटी के बारे में हमको पता नहीं है। वो कैसे पता चलेगा? तो जो भी है वो इंडियन रोड कांग्रेस से हमारा जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो वहां से हम स्टैंडर्ड वैल्यू रखेंगे और उस गाइडलाइन को फॉलो करके हमको जितने भी टेस्ट है बिटुमिनस के वो करने पड़ेंगे। और इसके हिसाब से अगर हम हमारा टेस्ट अच्छे रहे और उसका रिजल्ट अच्छा आया गाइडलाइन के हिसाब से, तो हम उसको अप्रूव कर सकते हैं हाईवे पेमेंट लेयर में मटेरियल का यूज करने के लिए। सो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो पेनेट्रोमीटर टेस्ट के लिए है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसको कनेक्ट कर दे हम, ठीक है, डिजिटल से, और उसके साथ यहाँ पे अलग अलग एपर्टस के भी दिए। तो सबसे पहले इस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव हम समझते हैं कि टेस्ट क्यों करना पड़ता है। कि इसका टेस्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि जो बिटुमिनस है उसकी पेनेट्रेशन वैल्यू, जो बिटुमिनस है उसकी पेनेट्रेशन वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये टेस्ट, ये इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम फाइंड करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप पेनेट्रोमीटर देख सकते हो जिसमें जो एपर्टस यूज होने वाले हैं, जिसमें 57 mm का जो एक कंटेनर है, दूसरा है 35 mm का कंटेनर, ठीक है। तो इसके अप्रोक्स अलग अलग डायमीटर में दो कंटेनर लेने हैं जिसमें हम बिटुमिनस को रखेंगे। दूसरी चीज, ये जो बिटुमिनस है उसके साथ यहाँ पे आप पेनेट्रोमीटर देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कैलिब्रेट करके रखा है 100 ग्राम जो हम लोड रखने वाले हैं नीडल पे, ठीक है। और यहाँ पे आप 10 mm पेनेट्रेशन के साथ जो पेनेट्रोमीटर है वो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 10 mm होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ साथ हम सबसे पहले करने वाले, उसके अलावा इस टेस्ट में जो यूज होने वाला है वो है वाटर बाथ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पेनेट्रोमीटर है वो डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट के साथ कनेक्टेड है। यहाँ से आप अपना टाइम और उसके साथ साथ जो सेकंड में हम इंस्ट्रूमेंट का टेम्परेचर और पेनेट्रोम जो आपको डेटा मिलने वाला है, रीडिंग मिलने वाला है एमएम में, ठीक है, तो वो यहाँ पे शो कर देगा। तो बहुत वाटर बाथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी हम बिटुमिनस मटेरियल लेने वाले हैं इसमें, ठीक है, तो उसका यहाँ पे आसपास का टेम्परेचर हम मेंटेन रखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि जो वाटर बाथ हम यूज करने वाले हैं, सो दोस्तों, ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो वाटर बाथ है, ठीक है। हम वाटर बाथ का यूज करने वाले हैं। यहाँ पे जो हम मटेरियल लाने वाले हैं उस मटेरियल को हम इस कंटेनर में रखेंगे। जैसे ये कंटेनर में रखेंगे तो वाटर बाथ में, यहाँ पे जो ये वाटर बाथ है उसकी 10 लीटर की कैपेसिटी है, ठीक है। तो हम 10 लीटर तक इसमें पानी भरेंगे। उसके साथ जो हम कंटेनर में जो बिटुमिनस लिया है उसको हम वाटर बाथ में रखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा जो मटेरियल है और हमारा जो कंटेनर है वो 100 mm तक इमर्स होना चाहिए। उस हिसाब से हम इस हिसाब से वाटर बाथ में रखेंगे और उसको 5 या 6 घंटे तक इसमें रखेंगे, और उसको उसके बाद हम पेनेट्रोमीटर टेस्ट के लिए हमारा सैंपल लेके जाएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये जो वाटर बाथ है, ठीक है, तो वाटर बाथ में हम जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट देख सकते हो कि ये कंट्रोलर स्विच है, इसको हम 1 पे रखने वाले हैं। उसके बाद वाटर बाथ हम चालू करेंगे तो उसके साथ यहाँ पे ये जो स्विच है उसके साथ हम टेम्परेचर को मेंटेन कर सकेंगे, ठीक है। तो हमको जो टेम्परेचर रखना है वो यहाँ तक रखना है, ठीक है। तो इतना टेम्परेचर 25+1 पे रख के हम यहाँ पे वाटर बाथ ऑन करके हमारा जो सैंपल है वो वाटर बाथ में रख देंगे, ठीक है। तो पहले उसको हम पेनेट्रोमीटर तक ले जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पेनेट्रोमीटर में हमारा जो सैंपल है, ये सैंपल को मैंने वाटर बाथ से निकाल के यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो उसको हम
ये जो कंटेनर है दूसरे कंटेनर में उसको रखेंगे। यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम जब यहाँ पे रखेंगे तो हमारी जो नीडल है वो एग्जैक्टली हमारा जो सैंपल है उसको यहाँ पे टच हो, इस हिसाब से हम रखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होने वाला है कि जब भी हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से हम ये जो पावर है उसको ऑन करने वाले, उसके साथ साथ ही हमारा जो हमारे पास जो स्टॉप वॉच है उसके हम रीडिंग लेना स्टार्ट करने के। तो यहाँ तक हमको कहाँ तक यहाँ पे लोड देना है, यहाँ पे पेनेट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से लेके हमको 5 सेकंड तक ये लोड कंटिन्यू देना है। जैसा ही यहाँ पे सेट हो जाएगा तो ये जो 100 ग्राम का लोड है उसके ऊपर जो नीडल पे हमारे सैंपल पे लोड आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो बिटुमिनस का सैंपल है उसको हम 5 सेकंड तक रखेंगे। जैसे ही 5 सेकंड खत्म हो जाए उसके बाद हम इसको स्टॉप करने वाले हैं, ठीक है। यही प्रोसेस हम कितनी बार करने वाले हैं, 3 बार करने के बाद हम हमारा जो सैंपल है उसका रीडिंग चेक करेंगे। उसमें तो अप्रोक्स 10 mm तक का पेनेट्रेशन है, उतना तक हमको ये रीडिंग लेना है, उसके बाद हमको स्टॉप करना है। तो ये चीज हमको 3 बार करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आरसी रिकमेंडेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि आरसी रिकमेंडेशन को फॉलो करना है। जब भी हमने पेनेट्रेशन के लिए जो सैंपल लिया था, ठीक है, तो उसमें अलग अलग ग्रेड के लिए रिपेयबिलिटी हम चेक करेंगे। तो कितने बार हमने 3 बार रिपीट किया है, यही जो प्रोसेस है उसको हम 2 बार और रिपीट करेंगे। तो हमारा जो पेनेट्रेशन ग्रेड है 0 से 80, 80 से 25 और अबाउट 225, ठीक है। तो यहाँ तक का पेनेट्रेशन का ग्रेड आरसी ने रिकमेंड किया है। हमने जो डिस्कस किया कि हमारा जो पोरिंग टेम्परेचर है उसको हम अलग टेम्परेचर से रखेंगे। तो निडल की साइज और जो हम 100 ग्राम का जो वेट रखने वाले हैं, ठीक है, तो वेट हमने यहाँ पे रखा है। तो ये सब हमारे पास ऑलरेडी सब कर दिया है। तो उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन टेबल पे आते हैं कि हमने क्या यहाँ पे 3 सैंपल लिए है, ठीक है। तो जब हमारा पेनेट्रेशन स्टार्ट हुआ तो जो इनिशियल 100 ग्राम का जो सैंपल था, ठीक है, तो उसके साथ हमने टाइमर के साथ हमने टाइम को फाइंड किया था। तो वो जो टाइम था उसके साथ साथ जो 5 सेकंड के बाद जो खत्म हुआ, ठीक है, तो वहाँ पे जो कितना एमएम का पेनेट्रेशन हुआ, तो 0 mm पेनेट्रेशन से 10 mm तक का कितना हुआ, ऐसे 3 बार हम पेनेट्रेशन को की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद जो वही प्रोसेस को जैसे हमने यहाँ पे 3 बार किया है, ठीक है, वही प्रोसेस को यहाँ पे रिपीट करने वाले फिर से 3 बार। यहाँ पे 5 सेकंड, यहाँ पे 5 सेकंड और यहाँ पे तीसरी बार 5 सेकंड। यहाँ पे हमको एमएम में फाइनल वैल्यू मिलने वाली है और इनिशियल वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने 0 mm से स्टार्ट किया तो यहाँ तक मुझे 2 mm तक पेनेट्रेशन मिला, 2 से यहाँ तक मुझे 8 mm तक पेनेट्रेशन मिला और तीसरी बार यहाँ से 8 से लेके 10 mm तक पेनेट्रेशन मिला। तो यहाँ पे मैंने पेनेट्रेशन वैल्यू स्टॉप हो गई। इन तीनों का डिफरेंस लेके हम इसकी फाइनल वैल्यू यहाँ पे पुट करने वाले। उसके बाद यहाँ पे हमको 1 वैल्यू मिलने वाली है। उसके बाद ये जो रिपीट करने वाले हैं यहाँ पे हमको दूसरी 3 वैल्यू मिलने वाली है। तो इन दोनों का जो ये जो अलग अलग वैल्यू मिली उसमें से जो सबसे हायर वैल्यू है उसको हम मिन वैल्यू के यूज करने वाले हैं। तो जितना भी हमारे पेनेट्रेशन की वैल्यू आई है, जो जितना पेनेट्रेशन हुआ है 10 mm हुआ है या तो 15 mm हुआ है, उसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पे जो हमने कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से हमको यहाँ पे मीन वैल्यू मिलेगी। एक चीज याद रखना है कि जो हमारा रिजल्ट आया, जो सैंपल लेके हमको हमारा जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट की वैल्यू 10 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेनेट्रेशन वैल्यू है वो 10 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके ज्यादा अलावा जो आरसी रिकमेंड है वो ज्यादा रिकमेंड नहीं करते। तो इसी हिसाब से हमने यहाँ पे जो 8 mm या 10 mm, 8 mm या 9 mm जो भी वैल्यू फाइंड की है वो उसको हम पेनेट्रेशन वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। अगर बिटुमिनस की यही सही वैल्यू हम उसको यूज करेंगे तो वो सही बिटुमिनस का हम हाईवे पेमेंट जो बियरिंग सरफेस है वहां पर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा ऑब्जेक्टिव था कि डू डिटरमाइन द पेनेट्रेशन वैल्यू ऑफ द गिवन बिटुमिनस, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पेनेट्रेशन वैल्यू मिलेगी तो उसके हिसाब से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि हमारा जो बिटुमिनस मटेरियल है उसकी हार्डनेस सही है। तो उसके हार्डनेस के हिसाब से हम हमारा जो बिटुमिनस है उसको हमारा जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है उसके बियरिंग कोर्स में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो पेनेट्रेशन टेस्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू। यहाँ पे हमने पेनेट्रोमीटर टेस्ट पूरा समझ लिया, वाटर बाथ है क्या, उसके साथ सैंपल कैसे लेते हैं और सैंपल का कलेक्ट करके उसके साथ पेनेट्रेशन वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो आज में देख लिया, ठीक है। यहाँ पे आपका हमारा जो पेनेट्रेशन टेस्ट है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद जो हमारा दूसरा जो बिटुमिनस है, हमारे बिटुमिनस के लिए सॉफ्टिंग पॉइंट और प्लेस एंड फायर टेस्ट के बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।